बॉट कैसे क्रिएट करें और प्रोएक्टिव मैसेज कैसे सेंड करें। सबसे पहले नया ऐप क्रिएट करना है, बॉट पे क्लिक करना है, चैट कमांड्स पे क्लिक करना है, जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करना है, ब्राउज करते हुए करंट जो भी फोल्डर है उसको सेलेक्ट कर लेना है। मैं अपट्रूप का फोल्डर सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसको एक नाम देना है, जैसे कि मैं नाम दूँगा योडा, योडा चैट ऐप, योडा चैट ऐप, ठीक है। एंटर करूँगा, एक नया क्रिएट, इसको मिनिमाइज़ कर लूँगा मैं। मेरा नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। मैं टीम्स में जाऊँगा, कुछ देर वेट करूँगा। मेरा ऐप क्रिएट हो चुका है। मैं पोर्टल खोल लूँगा, एज़्योर पोर्टल, और यहाँ पे एक मैं रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करूँगा। सो मैं रिसोर्स ग्रुप पे जाऊँगा, क्रिएट करूँगा और इसका नाम रखूँगा मैं योडा, योडा चैट ऐप, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि इंडिया में हो रहा है काम, तो फास्ट काम करेगा। रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक कर लूँगा और क्रिएट पे दबा दूँगा। अब ये क्रिएट हो चुका है मेरा एक रिसोर्स ग्रुप। अब जो रिसोर्स ग्रुप मैंने क्रिएट किया है उस पर जाऊँगा। यहाँ पे योडो चैट ऐप है, इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, और क्रिएट रिसोर्स पे क्रिएट दबाऊँगा। और यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा मैं सर्विस बॉट, ये ऐप रजिस्ट्रेशन, ऐप रजिस्ट्रेशन सर्च किया मैंने, और एज़्योर सर्विस ऑनलाइन पे क्लिक करूँगा। फिर ये आ चुका है, इस पर क्लिक किया मैंने, ये क्रिएट करूँगा। बॉट तो यहाँ पर नाम लिखूँगा मैं योडा, योडा चैट ऐप, ठीक है। ओनली डाल देता हूँ, मतलब कुछ भी रख सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी, जो भी मैं डाल सकता हूँ नाम। फिर यहाँ पर मैं यूज़ एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, नया क्रिएट करेंगे, ठीक है। आप इसको क्रिएट कर लेंगे, रिव्यू एंड क्रिएट पे दबा देंगे। अब ये क्रिएट हो रहा है। अब ये क्रिएट हो चुका है। मैं रिसोर्सेज में जाऊंगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, जब मैं कॉन्फ़िगरेशन पे जाऊंगा तो मुझे इसका माइक्रोसॉफ्ट ऐप आईडी मिल जाएगा। मैनेज पासवर्ड पे जाऊंगा, मुझे यहाँ पे सर्टिफिकेट एंड सिक्योरिटी मिल जाएगा जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड हो चुका है, बट मुझे नया क्रिएट करना होगा यहाँ पर। अभी इसको नहीं करता हूँ। तो होम में गया, जो रिसोर्स ग्रुप मैंने क्रिएट किया था योडो चैट ऐप, ठीक है। अब यहाँ पे एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो चुका है। अब मैं अपना वीएस कोड स्टूडियो खोलूँगा। मैं जाऊँगा प्रोविज़न पे क्लिक करूँगा। जब मैं प्रोविज़न पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सजेशन आएगा। सो मुझे वही रिसोर्स ग्रुप को सिलेक्ट करना है जो मैंने क्रिएट किया था, उसका नाम था योडा चैट ऐप। तो योडा चैट ऐप कहाँ पर है, ये रहा योडा चैट ऐप, ठीक है। इस पर एंटर करूँगा और ये प्रोविज़न हो रहा है, मतलब अपने सारी रिसोर्सेज को सकते। और ये हो चुका है, प्रोविज़न का परमिशन ले रहा है मेरे से, प्रोविज़न पे क्लिक किया मैंने। थोड़ा सा टाइम लेगा, प्रोविज़न यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, अब डिप्लॉयमेंट करना होगा। बट डिप्लॉयमेंट भी कर लेते हैं। सो डिप्लॉयमेंट पे क्लिक कर दूँगा। जब तक तो डिप्लॉय होता है तब तो लोग चेक करते हैं प्रोविजन्स हुआ है कि नहीं। सो मैं पोर्टल पे जाऊंगा। अब मुझे सिंपल से यहाँ पर रिफ़्रेश करना पड़ेगा।
सो यहाँ पे सारे प्रोविजंस को अपलोड कर दिया गया है। सो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे दो तरह की चीज़ बनाई, योडा चैट ऐप नहीं बनाया है, दूसरा बनाया यहाँ कमांड बॉट। मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर योडा चैट ऐप को अलग से खोलना होगा और कमांड बॉट वाले को अलग से खोलना होगा। अब जो योडा चैट ऐप है उसमें से मैं मुझे पासवर्ड मिलेगा और इसका मैं माइक्रोसॉफ्ट ऐप आईडी यूज़ करूँगा कमांड। जो ये डिप्लॉय भी हो रहा है अभी, तो ये योडा चैट ऐप है। मैं इसे कॉन्फ़िगरेशंस में जाऊँगा, मुझे यहाँ से इसका पासवर्ड मिलेगा, मैनेज पासवर्ड पे क्लिक करूँगा और जो एग्जिस्टिंग उसको डिलीट कर सकता हूँ मैं, मुझे इसका पासवर्ड नहीं पता। यहाँ पर न्यू क्लाइंट सिग्नेट पे क्लिक करूँगा, कुछ भी डाल सकता हूँ, टेस्ट योडा टेस्ट, और रेकमेंडेड वाले को भी चूज़ कर सकता हूँ या सबसे लॉन्गेस्ट वाले को चूज़ करूँगा और ऐड पे क्लिक करूँगा। ये ऐड हो रहा है, यहाँ ये ऐड हो चुका है और ये मेरा पासवर्ड है, वैल्यू है वो मेरा पासवर्ड है, इसे मैं कॉपी कर लूँगा और मैं इसे न्यू टैब में सेव कर लूँगा। ये मेरा पासवर्ड हो गया, ठीक है। पासवर्ड में हमेशा ये सिंबल होता है और ये मेरा कमांड बॉट है जहाँ से मुझे ऐप आईडी मिल जाएगा, ये ऐप आईडी हो गया। अब मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बताता हूँ, ये मेरा ऐप आईडी हो गया। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैनेज पे तो मुझे यहाँ से पासवर्ड नहीं मिलेगा, सो मैं पासवर्ड उसका उठा रहा हूँ और इसका ऐप आईडी यूज़ कर रहा हूँ। सिंपल सा रीज़न, यहाँ पे कोई पासवर्ड का सीन नहीं है। मेरा ऐप भी डिप्लॉय हो चुका है, नहीं अभी डिप्लॉय हो ही रहा है। मुझे एक और चीज़ चेक करना होगा, मैं पोर्टल में फिर से जाऊँगा और यहाँ पे टाइप करूँगा पोर्टल ऐप एज़्योर। अब यहाँ मुझे देखना पड़ेगा कि ना कि ऐप रजिस्ट्रेशन में मेरा ऐप योडा चैट ऐप ओनली क्रिएट हुआ है कि नहीं, क्योंकि वो क्रिएट होना चाहिए। मैं यहाँ क्लिक करूँगा व्यू ऑल एप्लीकेशन इन डायरेक्टरी और लेट्स चेक, यहाँ पे क्रिएट हो चुका है योडा चैट ऐप ओनली। इस पे जाऊँगा, यहाँ से मैं पासवर्ड क्रिएट किया था, ठीक है। मैं ऑथेंटिकेशन में जाऊँगा, मैं ऐड प्लेटफॉर्म पे क्लिक करूँगा, वेब पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझे URL पेस्ट करना पड़ेगा। सो वो URL क्या है, URL टोकन बॉट फ्रेमवर्क का, और इसे पेस्ट कर लूँगा और यहाँ पे एक्सेस दूँगा, एक्सेस टोकन आईडी टोकन और कॉन्फ़िगर। ऐप डिप्लॉय हो चुका है और अभी मैं जाऊँगा डेव वाले वर्ज़न में, यहाँ क्लिक करूँगा, टीम्स को सेलेक्ट करूँगा और मैनिफेस्ट फाइल को चूज़ कर लूँगा। अब ये क्या करेगा, इस मैनिफेस्ट फाइल को अपलोड करेगा और ऐप को ऐड करने का ऑप्शन दिखाएगा मुझे। सो यहाँ पे ऐप ऐड करने के लिए बोल रहा है योडा चैट ऐप, मैंने इसे ऐड कर लिया। अब मैं इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ, सो ये स्टार्ट हो चुका है और इसका मैसेज भी आ गया, वेलकम मैसेज, मतलब सही तरह से तरीके से काम कर रहा है। मैं चेक करूँगा हाई लिख कर कि काम कर भी रहा है कि नीचे तरह से आ रहा है। अब यहाँ लिखूँगा मैं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड काम कर रहा है ना, यस काम कर रहा है। अब मुझे यहाँ पर प्रोएक्टिव मैसेजिंग यूज़ करना है, मतलब मुझे कॉन्टेक्स्ट का यूज़ ना करके डायरेक्ट मुझे यूज़ करना है, मैसेज को सेंड करना है टीम्स में। तो उसका कोड मेरे पास ऑलरेडी है, ये उसका कोड है, मैं इसे कॉपी कर लूँगा और यहाँ पेस्ट कर लूँगा।
अब मुझे सिर्फ यहाँ पर ऐप आईडी और पासवर्ड को चूज़ करना पड़ेगा जो मैंने जनरेट किया था यहाँ से, उससे रिप्लेस कर दूँगा। सो ये मेरा ऐप आईडी है, मैंने ऐप आईडी और पासवर्ड को रिप्लेस कर दिया है और अभी इसको डिप्लॉय करूँगा। बट उसके लिए मैं थोड़ा सा चेंजेस करूँगा ताकि मुझे पता चल जाए कि एक्चुअली में डिप्लॉय हुआ भी है। तो यहाँ पे मैं सिंपल से चेंजेस करूँगा हाई वाले कमांड में, मैं इसे हटा दूँगा, हे देर वन लिखा रहेगा। अब मैं इसे डिप्लॉय कर रहा हूँ, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो गया है। अब मैं टेस्ट करता हूँ हेलो वर्ल्ड कमांड से, पहले हाई कमांड लिखूँगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा रिस्पॉन्स करने में क्योंकि रीस्टार्ट होता है सर्वर। सो यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया, अब मैं हेलो वर्ल्ड लिखूँगा, लेट्स सी काम करता है भी है कि नहीं। अगर काम कर गया मतलब कॉन्फ़िगरेशन सही है। सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे टेनेंट आईडी का प्रॉब्लम आ रहा है। मैं देखता हूँ इसे, यहाँ पे रीज़न हो सकता है परमिशंस का। सो मैं यहाँ पर योडा चैट ऐप ओनली पे आऊँगा और ऐड परमिशंस पे क्लिक करूँगा, एपीआई परमिशंस में। फिर माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ पे क्लिक करना है, डेलीगेट परमिशंस पे जाना है और यहाँ मुझे लिखना है यूज़र। यूज़र डॉट रीड। सो यहाँ पर आ करके यहाँ पर यूज़र रीड पे सेलेक्ट करना है, राइट पे भी क्लिक कर सकते हैं, ऐड परमिशन। यहाँ परमिशन आ गया ऐसे। नाउ लेट अस ट्राई अगेन। सो ये रहा मेरा ऐप, अब मैं यहाँ पर टेस्ट करूँगा हेलो वर्ल्ड। मैंने वो परमिशंस दे दिया है, हेलो वर्ल्ड। अब इसे हिट करूँगा एंटर, लेट अस सी। और इसका मैसेज आ चुका है, दिस इज़ वर्किंग, जो कि हमने यहाँ लिखा था, दिस इज़ वर्किंग। सो ये होता है प्रोएक्टिव मैसेज सेंड करने का। अब चूंकि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट तो यूज़ हो रहा है, बट कॉन्टेक्स्ट से हम लोग एक्टिविटी यूज़ कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट से हम लोग लेटेस्ट कन्वर्सेशन रेफरेंस को निकाल रहे हैं, फिर उसे यूज़ कर रहे हैं, जो कि हम लोग डेटाबेस में आराम से सेव कर सकते हैं। तो ये तरीका है। और मुझे कुछ कुछ चेंजेस करना है, जैसे मुझे लोगो चेंजेस करना है, तो वो भी कर सकता हूँ मैं बहुत इजीली यहाँ से।